हेलो फ्रेंड्स गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए गाइस, अगर आप आईपीओ में निवेश करना पसंद करते हैं, मतलब इट मींस इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 9 मई 2023 को एक और कंपनी का आईपीओ बाजार में आने वाला है। इस आईपीओ में निवेश करके आप बंपर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले आप एक बार अपने वित्तीय सलाहकार मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक नुकसान इट मीन्स फाइनेंशियल आप कह सकते हो लाइबिलिटीज उठानी पड़ सकती है। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जो कि ब्लैकस्टोन है, जिसको हम नेक्सा फ्लैक्टर्स के नाम से जानते हैं गाइस, उसका आईपीओ आ रहा है 9 मई को। और इसका जो अमाउंट रहने वाला है रिजर्व 3200 करोड़ का रहने वाला है, और जो सब्सक्रिप्शन है कब तक रहेगा गाइस, 11 मई तक रहेगा। यह भारत का पहला आप कह सकते हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा, जो किराए पे देने वाले रिटेल रियल एसेट्स द्वारा समर्थित होगा। एंड मौजूदा समय में स्टॉक एक्सचेंजों पर 3 लिस्टेड REITs हैं, लेकिन सभी ऑफिसर्स एसेट द्वारा समर्थित हैं, मतलब उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड कंपनी रिटेल REIT आईपीओ के जरिए 3200 करोड़ रुपीज जुटाएगी, मतलब उसका जुटाने में आप कह सकते हो जो आईपीओ आता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि फंड की जरूरत होती है, और उसी के लिए ये कंपनी 3200 करोड़ रुपए जुटाने में, मतलब आप कह सकते हो आईपीओ के थ्रू लगेगी गैस। वही 11 मई तक लग सकती है इसकी बोली, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका सब्सक्रिप्शन जो रहेगा 11 मई तक रहेगा। एंड नेक्सस सेलेक्टर्स हैज फाइल्ड इट्स ऑफर डॉक्यूमेंट विद मार्केट रेगुलेटर सेबी फॉर इट्स आईपीओ। The IPO's total size of the public issue is rupees 3200 crore, which consists of rupees 1400 crore and offer for sale up to 1800 crore. It means, guys, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि Nexus Select Trust का IPO 9 मई को जो खुलने वाला है, and जो investors के लिए सबसे बड़ा issue एक दिन सबसे पहले रहेगा, मतलब 8 मई को खुल जाएगा, and new investors के लिए 11 मई तक बोली लगा सकते हैं। IPO की बोली पूरा होने के बाद 16 मई को इसके शेयरों का अलॉटमेंट होगा। पहले तो गाइस आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि शेयरों का अलॉटमेंट कब होने वाला है। एंड 17 मई को आप कह सकते हो ऐसे निवेशक जिन्हें शेयर नहीं मिलेंगे उनके खाते में 17 मई को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज पर 19 मई को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। आईपीओ का कुल साइज जैसे कि मैंने आपको बताया 3200 करोड़ का रहने वाला है, एंड 1400 करोड़ रुपए का शेयर जारी किए जाएंगे। वही बाकी 1800 करोड़ रुपए मौजूदा निवेश अपने शेयर बिक्री के लिए रखेंगे। अब बात आती है कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि नेक्सा सेलेक्ट ट्रस्ट हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 17 ऑपरेशनल शॉपिंग मॉल्स अक्रॉस 14 मेजर सिटीज कवरिंग 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया। दिस विल बी द थर्ड REIT स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैकस्टोन। नेक्सा सेलेक्ट ट्रस्ट हैज आल्सो इंक्लूडेड सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल इन साउथ दिल्ली। देखिए बता दें कि कंपनी के देश में 14 बड़े शहरों में करीब 17 मॉल है गाइस, एंड ये सभी मॉल 1 करोड़ वर्ग फुट में आप कह सकते हो फैले हुए हैं, एंड जिसका मार्केट कैपिटल आप लगा सकते हो 24,400 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने देश का पहला आप कह सकते हो REIT एम्बेसी ऑफिस पार्क और फिर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT लॉन्च किया है। एंड वही हम बात कर देखिए नेक्सा सेलेक्ट ट्रस्ट ने जो हमारे साउथ दिल्ली में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल को भी शामिल किया है। एंड गाइस ब्लैकस्टोन जितना भी आप कह सकते हैं नेक्सा ट्रस्ट ने अपने आईपीओ के लिए बाजार में जितने भी सेबी के साथ अपने ऑफर से डॉक्यूमेंट्स है उसके दायरा क्या मतलब उसको उसमें रखा है। इट मींस REIT अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ग्लोबली वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अ फ्यू इयर्स एगो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर बाय मोनेटाइजिंग rent yielding assets. It has unlocked the massive value of real estate assets and enabled the participation of retail investors. So guys, देखिए 3,000 store across 17 shopping mall, while the number of brands is nearly 1,100. Guys, जैसे कि इसके बारे में हमें न्यूज सुनने को मिली है, और जो कंपनी काम करती है, जो इसका आप कह सकते हो पैसा जुटाने में लग गया है, सब्सक्रिप्शन इसका डेट जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें काफी अच्छा पॉजिटिव वेव देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको कहूंगी जैसे सब्सक्रिप्शन आता है तो थोड़ा सा इस पर नजर बनाकर रखें, एंड बाकी कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं, स्टडी पर्पस से वीडियो है। और बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।